नाजरा दोस्तों, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल बी आर जिद्दी। और आज के इस शो के गेस्ट हैं हिमांशु अग्रवाल, फाउंडर ऑफ इंटरनेट कोचिंग एम्पायर, हु अचीव्ड अ लॉट ऑफ थिंग एंड हेल्प्ड अ लॉट ऑफ बिजनेसमैन टू अचीव देयर ड्रीम्स, एंड ही इज हेल्पिंग पीपल टू अचीव देयर एवरी सिंगल ड्रीम्स। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, एंड बिफोर इनवाइटिंग हिमांशु अग्रवाल, आई वुड लाइक टू से दैट ये एपिसोड आपकी लाइफ में बहुत वैल्यू ऐड करने वाला है। इस एपिसोड को पूरा देखिए और इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज मिलेगी जो कोचेस और कंसल्टेंट को के बारे में रहती है, और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा कि हिमांशु ने कैसे अपनी जर्नी स्टार्ट की, कैसे उन्होंने अपनी इस फील्ड में इतना सब कुछ अचीव किया, और ऑनलाइन कोचिंग और कोचेस और कंसल्टेंट को कैसे वो गाइड करते हैं, हर एक बात आपको इस एपिसोड में देखने को मिलेगी। उससे पहले मैं आपसे एक ही बात बोलूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे कि आप फ्यूचर में कोई वीडियो अपडेट मिस ना कर पाए। तो चलिए अपन बुलाते हैं हिमांशु अग्रवाल जी को। हाय गाइस, हाउ आर यू, कैसा चल रहा है आप सबका, होप अच्छा चल रहा होगा। सो दिस इज हिमांशु अग्रवाल, आई एम द फाउंडर एट इंटरनेट कोचिंग एम्पायर। वी हेल्प कोचेस, कंसल्टेंट, ट्रेनर्स, एक्सपर्ट्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स टू स्टार्ट एंड स्केल देयर कंसल्टिंग बिजनेस टू सिक्स फिगर्स एंड मोर। करंटली वी हैव अराउंड 8 to 9 सिक्स फिगर केस स्टडीज एंड 2 to 3 सेवन फिगर केस स्टडीज। वी आर ट्राइंग आवर हार्ड टू हैव द बेस्ट सक्सेस रेट इन द इंडस्ट्री। राइट नाउ वी आर हैविंग दैट एंड ग्लैड टू हैव ग्लैड विशाल हैज कॉल्ड मी ऑन दिस पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच विशाल। ओके, तो बिफोर स्टार्टिंग मींस होल लेक्चर, आई वुड लाइक टू नो अबाउट योर सेल्फ। प्लीज टेल अबाउट योर सेल्फ एंड हाउ यू आर हेल्पिंग बिजनेसेस, कंसल्टेंट, कोचेस टू लिव देयर ड्रीम लाइफ, टू लिव देयर, टू अचीव देयर ड्रीम्स, हाउ यू आर हेल्पिंग। राइट। सो बेसिकली मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी लाइक 9th-10th क्लास से, व्हेन आई स्टार्टेड माय एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी। उस टाइम पे आई यूज्ड टू डू फोटोग्राफी, आई यूज्ड टू सेल रेंटेड क्लोथ्स, और इस टाइप के छोटे मोटे बिजनेस करता था, और मैं 30-40 हज़ार रुपये महीना कुछ कमाता था 10वीं-11वीं क्लास में। तो उस टाइम पे ऐसे पता नहीं था एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा हूँ, बट या ऐसा चल रहा था लाइफ में। आफ्टर दैट आई वेंट टू कॉलेज, कॉलेज में एक सीरियस स्टार्टअप चालू किया फेमनिक, अच्छी वैल्यूएशन में पहुंचा। उसके बाद एक दूसरा स्टार्टअप चालू किया जिसका नाम था फेबहब। दोनों को मैं फेल्ड स्टार्टअप्स मानता हूँ क्योंकि आई क्विटेड देम इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। आई हैव नो रिग्रेट्स ओवर दैट, बट स्टिल उनको छोड़ना पड़ा, तो दे आर फेल्ड स्टार्टअप्स एनीवेज। तो पहले दो स्टार्टअप फेल हुए, उसके बाद मैंने कॉर्पोरेट लैडर को चढ़ना चालू किया। अमेजोन में जॉब करी, फ्लिपकार्ट में जॉब करी, फोन पे में जॉब करी, टेली परफॉर्मेंस में काम किया। ये सब कंपनीज में काम करने के बाद मेरी इनकम अच्छी पहुंच गई थी, लाइक आई वाज मेकिंग 70-80,000 पर मंथ, बट मुझे मजा नहीं आ रहा था काम करने में। ये सब छोड़ के मैंने एक जॉब चालू करी 6,000 रुपये महीने की, जितेश मनवानी की, इंदौर में बिजनेस कोच है, उनके यहाँ मैंने एक जॉब चालू करी। और वो जॉब में बेसिकली मैं मार्केटिंग, सेल्स, एचआर, मैनेजमेंट सब कुछ देखता था। और वहाँ से बेसिकली स्टार्ट हुआ जब मैंने पहली बार देखा कि यार उन्होंने 6 लाख रुपए पर ईयर में अपनी एक सर्विस बेची किसी को, विच वॉज जस्ट गिविंग नॉलेज। तो मैंने बोला अच्छा, मतलब ज्ञान देने का भी पैसा मिलता है। तो मुझे लगा वो मेरे लिए बल्बा मोमेंट था, तो मुझे लगा अच्छी अच्छी बात है। एंड देन आई स्टार्टेड बेसिक रिसर्च। मुझे पता था ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं और ऐसी चीज़ें होती है, बट आई वॉज नॉट वेरी इन टू इट। टाई लोपेज और केविन डेविड, ये 2-3 नाम थे जो यूट्यूब पे मेरे आते रहते थे, आई यूज टू सी, बट ऐसा कुछ पता नहीं था स्पेसिफिकली क्या होता है। तो आई स्टार्टेड ओवर देयर, 9-10 महीने में आई स्केल्ड दैट बिजनेस टू 4-5 टाइम्स अप्रॉक्सीमेटली। अलॉट से पूरा हाथ मेरा था, हमारे पास पूरी एक टीम थी, बट वहाँ पे मैंने बहुत कुछ सीखा और समझ में आ गया कि ऐसे ऐसे काम होता है। दो चीज़ों पे काम किया मैंने, पब्लिक स्पीकिंग एंड सेल्स। ओके, बेसिकली आपने दो चीजों पे वर्क किया, पब्लिक स्पीकिंग और सेल्स। तो सेल्स और पब्लिक स्पीकिंग मैंने काम किया, मार्केटिंग में बहुत सारा काम किया, बट मेजरली मेरे को ये दो चीजें सीखनी थी। वहां पे काम करने के बाद उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे कुछ अपना स्टार्ट करना चाहिए, तो मैंने अपनी कंसल्टिंग कंपनी चालू करी जिसका नाम था इंटरनेट कोचिंग एम्पायर। क्योंकि मुझे समझ में आया कि जितेश मनवानी की हेल्प करके आई वॉज एबल टू हेल्प अ कोच, वो कोच कितने लोगों की हेल्प करते हैं। तो लेट्स से जितेश 100 लोगों की हेल्प करते हैं, तो मुझे बस एक जने की हेल्प करनी है और इनडायरेक्टली मैं 100 लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, बिकॉज इम्पैक्ट वॉज द थिंग आई हैव लिव्ड अपॉन। और मुझे ऐसा लगता है कि इफ आई कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट, आई डोंट वांट द मनी और द फेम दैट एवरीबडी इज लुकिंग फॉर, आई जस्ट वांट द इम्पैक्ट। अगर 10 लोग भी मेरी वजह से कह पाए कि वी हैड अ बेटर लाइफ बिकॉज ऑफ हिमांशु, आई एम ग्लैड कि मैं अपनी लाइफ में कुछ कर पाया। सो इट इज दैट आई एम लुकिंग फॉर। तो मैंने देखा यार एक बंदे का बिजनेस अगर मैं ध्यान देता हूँ, आई एम एबल टू इम्पैक्ट 100 एंड 1000s ऑफ लाइव्स, व्हाई नॉट आई हेल्प कोचेस एंड कंसल्टेंट्स।
एंड दैट्स वेयर माई जर्नी स्टार्टेड. उसके बाद मैंने बहुत सीखना चालू किया, बहुत रिग्रेस खुद पे इन्वेस्ट किया. आई डिड एवरीथिंग पॉसिबल टू मेक श्योर आई एम एबल टू ग्रो माई बिजनेस. फिर मेरा बिजनेस पहले महीने आई थिंक मैंने, मेरी सैलरी 6,000 रुपये महीना थी, बट पहले महीने मैंने 12,000 रुपये कमाए थे. तो मुझे समझ में आया कि हाँ ये चीज़ काम करती है. फिर उसके बाद अगले महीने 30,000, फिर 45,000, और तब से ऐसा स्केल होता आया. बीच में एक डिफरेंट पीरियड आया था जब 3 महीने के लिए मेरा रेवेन्यू 0 था. वो अलग केस है, बट उसके बाद से आई बाउंस बैक, आई केम अगेन टू द ट्रैक, और राइट नाउ वी डू 6-7 फिगर्स एवरी मंथ. वो सुनकर बहुत अच्छा लगा कि कहाँ से स्टार्ट किया और कहाँ पे आए अपन ने. मतलब स्टार्टिंग ही 9th-10th क्लास से रहती है, तो वो बहुत अलग ही पार्ट है. राइट, मैं ऐसा मानता हूँ कि जो मैं अभी मेहनत कर रहा हूँ उसका मुझे अभी रिजल्ट नहीं मिल रहा है. जो मैंने 9th-10th में मेहनत करी थी उसका रिजल्ट अभी मिल रहा है. जो मैंने 3-4 साल पहले पुट किया था वो अभी देखने को मिल रहा है मुझे. Okay, my next question would be for you. What is online coaching and consulting and how people are making money out of it? कैसे लोग रुपए कमा रहे हैं इससे? ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज बोली आपने, कोचिंग और कंसल्टिंग, और तीसरा वर्ड बोला ऑनलाइन. कोचिंग बेसिकली मींस किसी भी इंसान को ए पोजीशन से बी पोजीशन में ले जाना, 60 किलो वजन से 80 किलो पे ले जाना, 2 लाख रेवेन्यू से 4 लाख पे ले जाना, डिवोर्स से नॉन डिवोर्स ले जाना, कोई भी तरीके से किसी भी इंसान को ए पॉइंट टू बी पॉइंट ले जाना, कोचिंग होती है. उसमें उसका साथ देना, दैट इज कोचिंग. कंसल्टिंग इज आप अपनी नॉलेज या अपनी स्किल किसी को बेच पाए. राइट, कंसल्टिंग 3 टाइप की होती है, डन फॉर यू, डू इट योर सेल्फ, एंड डू इट टुगेदर. डन फॉर यू यानी कि मैं आपको काम करके दूंगा. फॉर एग्जाम्पल आपने बोला यार मेरा मंथली रेवेन्यू 2 लाख है, मुझे 4 लाख पे जाना है, तो मैं ऐसा बोलता हूँ एक काम करो आपका सेल्स मैं करूंगा डबल कन्वर्जन रेट से, तो उसका डबल हो गया बिजनेस. राइट, दैट्स डन फॉर यू कंसल्टिंग, यानी कि मैं करके दे रहा हूँ. दूसरी होती है डू इट योर सेल्फ, यानी कि मैं आपको कोर्स नॉलेज PDF कुछ ऐसी चीज दे दूंगा जिसको आप पढ़ के अप्लाई करोगे तो आपका डबल हो जाएगा बिजनेस. एग्जाम्पल दे रहा हूँ, दैट्स डू इट योर सेल्फ. और डू इट टुगेदर होता है कि थोड़ा काम आप करो थोड़ा काम मैं करता हूँ. यानी कि वेबिनार की स्लाइड्स मैंने बना दी तो वेबिनार आपने ले लिया, समझ गए, लाइक इट्स टाइप से. तो ये होता है बेसिकली कंसल्टिंग. अब आपको बेसिकली फाइंड करनी आपकी निच, किसको हेल्प करना चाहते हो, क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो उनकी, वो फाइंड करना है. एक बार आपको वो मिल जाए उसके बाद आपको बेसिकली देखना है कि आप एक कोच अच्छे हो या कंसल्टेंट अच्छे हो. मेरे हिसाब से आपको कंसल्टिंग से चालू करना चाहिए, डन फॉर यू, जहां पे आप काम कर रहे हो, आप अपना स्किल लेवल एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा रहे हो. जब आपको लग रहा है कि हाँ उस लेवल पे पहुंच गया, देन गोइंग टू डू इट योर सेल्फ, यानी कि आप कोर्स या ऑनलाइन चीजें बेचने लग गए हो. उसके बाद यू गेट इन टू कोचिंग, जहां पे आप टॉप ऑफ द लीग जो लोग हैं उनकी कोचिंग करते हो इन ऑर्डर टू मेक देम अचीव समथिंग. अब मतलब रियली यू गॉट इट इन टू द शॉर्ट पॉइंट टू द पॉइंट. माई नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी फॉर यू दैट कैन बी मेक लैक्स ऑफ मनी आउट ऑफ इट बाय ऑनलाइन कोचिंग और कंसल्टिंग. मीन्स अ नॉर्मल पर्सन हु इज इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हु हैड एक्सपीरियंस ऑफ 15 ईयर्स और 20 ईयर्स, डज ही कैन मेक आउट मनी आउट ऑफ इट? ठीक है, मनी आउट ऑफ इट. ठीक है, पहली बात, व्हाट इज मनी, मनी क्रिएट कैसे होता है या आप अर्न कैसे करते हो मनी, उसकी एक सिंपल डेफिनेशन है. हाउ मच वैल्यू कैन प्रोवाइड टू द मार्केट एंड हाउ फास्ट यू कैन सेल दैट वैल्यू. वैल्यू क्रिएशन यानी कि कितनी जल्दी आप, कितनी सारी आप वैल्यू क्रिएट कर रहे हो फॉर पीपल. ठीक है, यानी कि ये पॉडकास्ट एक काइंड ऑफ वैल्यू है, जिसको सुनना उसको कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है, दैट्स अ वैल्यू. सेकंड होता है हाउ फास्ट यू कैन सेल दैट वैल्यू. सिर्फ वैल्यू क्रिएट करने से कुछ नहीं होगा. काफी सारे आप देखोगे यूट्यूब चैनल्स पे बहुत सारे वीडियोस है, बहुत सारी नॉलेज है, लेकिन उन वीडियोस को प्रमोट नहीं किया गया या सेल नहीं किया गया या मार्केट नहीं किया गया, जिसकी वजह से बेसिकली आप पैसा नहीं कमा पाओगे, क्योंकि आपने वैल्यू क्रिएट करी पर वो वैल्यू किसी को दिखाई नहीं है. तो इट इज अबाउट हाउ फास्ट यू कैन क्रिएट वैल्यू एंड हाउ फास्ट यू कैन सेल दैट वैल्यू. ये दो चीजों में पैसा अर्न होता है. अब आपका क्वेश्चन है कि इससे लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं कि नहीं. सबसे पहली बात, व्हेन यू आर इनटू कोचिंग और कंसल्टिंग, आपका प्रोडक्ट डिजिटल है, यानी कि स्केलिंग की कोई टेंशन नहीं है. मैं आज बैठ के एक क्लिक में यूएस में अपने ऐड्स चला के कल यूएस में बेच सकता हूँ. राइट, वहीं पे एक मैन्युफैक्चरर है या कोई भी बिजनेस है, उसको टाइम लगेगा टू रीच यूएस इंटरनेशनल मार्केट्स. मुझे एक दिन लगेगा इंटरनेशनल मार्केट रीच करने में. राइट, दैट्स द फर्स्ट पॉइंट, स्केलेबिलिटी. सेकेंड, वैल्यू क्रिएशन. सिर्फ ये डिजिटल प्रोडक्ट है, मैं कहीं भी बैठ के किसी भी टाइम कितने भी घंटों के लिए वैल्यू क्रिएट कर सकता हूँ. राइट, अभी मैं अपने घर में बैठा हूँ, आप अपने घर में बैठे हो, आई मीन माई कम्फर्ट, यू आर इन योर कम्फर्ट, बट स्टिल वी आर क्रिएटिंग वैल्यू. राइट, दैट्स द सेकेंड पॉइंट. और थर्ड चीज ये है, हाउ फास्ट यू कैन प्रमोट इट. आई कैन यूज एड्स, पेड मीडिया, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, एवरी टाइप ऑफ मार्केटिंग टू स्केल माई वैल्यू टू एनी पोटेंशियल हाइट्स. फॉर एग्जाम्पल, ये पॉडकास्ट को अगर कल मेरे कहने पर 20 इन्फ्लुएंसर्स डाल देते हैं, देन इट्स बेसिकली प्रमोटिंग द वैल्यू.
यूट्यूब विच आई विल गेट मनी, मोर पीपल विल रीच आउट टू मी एंड आस्क मी कौन सी वैल्यू एड कर सकते हैं, आपके पास आएंगे बोले और कुछ वैल्यू एड कर सकते हो क्या, राइट? सो इट्स अबाउट दैट. अगर आप देखो तो तीनों फैसेट्स में कोचिंग या कंसल्टिंग बिजनेस इज द परफेक्ट फिट, क्योंकि स्केल जल्दी हो सकता है, वैल्यू जल्दी क्रिएट हो सकती है, प्रमोट की कोई टेंशन नहीं है. अगर ये तीनों चीजें अवेलेबल है दैट मीन्स वो बिजनेस बहुत तेज स्केल हो सकता है. अगर मेरा एग्जाम्पल है तो 1.5 साल पहले मैं 6,000 रुपए पर मंथ की नौकरी कर रहा था और आज जितना मैं साल में कमाता उतना मैं दिन का कमा रहा हूँ, अप्रोक्सीमेटली, नॉट एवरी डे बट अप्रोक्सीमेटली. तो इट कैन बी स्केल्ड वेरी फास्ट. और मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं जितना साल का कमाता था उतना मैं आधे दिन में कमाऊ, राइट? तो इट कैन बी स्केल्ड वेरी फास्ट. इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच स्किल यू आर हैविंग और हाउ मच ऑफ एक्सपर्ट यू आर. माई नेक्स्ट क्वेश्चन बुडी फॉर यू मीन्स आपने ये पॉइंट तो बहुत अच्छे समझाया. माई नेक्स्ट क्वेश्चन बुडी फॉर यू इज वट इज द फ्यूचर ऑफ ऑनलाइन ट्रेनर एंड ऑनलाइन कोचेस, जैसे कि 2025 आने वाली, 2030 आने वाली है, और अभी आने वाले समय में क्या सिचुएशन होने वाली है, एंड हाउ ये बिजनेस सर्वाइवेबल है या फिर मतलब मिलियंस डॉलर बिजनेस है? It's not even $1 million business, it's $1 billion business. There are many people who are even billionaires and using the techniques. अगर आप देखोगे तो अभी रितेश अग्रवाल ओयो के जो स्टार्टअप फाउंडर है उन्होंने अपना कोर्स लॉन्च कर दिया है, राइट? बाय थ्रू अनदर कंपनी, बट ही हैज स्टार्टेड इट. सो इट्स नॉट लाइक हु मिलियनेयर्स डूइंग इट, इट्स इवन बिलियनेयर्स डूइंग दैट, राइट? सेकेंडली 2025-2030 में क्या देखा जाएगा, आई थिंक यूनिवर्सिटीज और कॉलेज और स्कूल से कोई मतलब रहा नहीं है. पीपल आर धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग दैट कि कोई मतलब नहीं है जाके लाखों रुपए दो एक डिग्री मिलेगी और फिर जॉब करो. देर आर मोर ओवर अंडरस्टैंडिंग स्पेशलाइज नॉलेज की जरूरत है, यानी कि मुझे केक बनाना पसंद है तो हाउ आई कैन मेक द बेस्ट केक इन द वर्ल्ड, मुझे गिटार बजाना पसंद है तो हाउ कैन आई लर्न फ्रॉम द बेस्ट गिटारिस्ट इन द वर्ल्ड. और स्पेशलाइज नॉलेज की ओर लोग बढ़ते जा रहे हैं, ड्यू टू विच आई थिंक दिस इंडस्ट्री विल कंटिन्यू टू बूम एंड मोर पीपल विल गो ओवर स्पेशलाइज नॉलेज ओवर जनरल नॉलेज. और कॉलेज और यूनिवर्सिटी और स्कूल धीरे 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 खत्म होने लगेंगे. देर इज अ डिक्लाइनिंग इकोनॉमी व्हाइल द ऑनलाइन कोर्स एंड एवरीथिंग आर इन द अपवर्ड इकोनॉमी. ये आने वाला समय बहुत टर्निंग पॉइंट होगा ऑनलाइन कोचिंग के लिए. मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि हाउ अ पर्सन हु डू नॉट हैव नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड कैन ही स्टार्ट हिज ऑनलाइन कोचिंग और कंसल्टिंग? ठीक है, तो पहली बात तो हम समझते हैं कि दो जवाब है इसके. आपने पूछा कि टेकी होना जरूरी है कि नहीं, इसके दो जवाब है. पहला, हाँ, बिना टेकी के भी आप इसको क्रैक कर सकते हो. आपको सॉफ्टवेयर सिस्टम समझने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है पर उनको हाथ से करने की जरूरत नहीं. फॉर एग्जाम्पल, मैं मेरे फेसबुक एड्स नहीं करता, मैं एक बंदे को महीने का लाख रुपए देता हूं और वो मेरे लिए करता है, राइट? क्योंकि मुझे नहीं आता वो सॉफ्टवेयर चलाना और उसको सीखने में मुझे बहुत टाइम लगेगा, उसमें एक्सपर्ट होने के लिए बहुत टाइम लगेगा. बट कोई इंसान है जो 20 साल से उसको कर रहा है तो क्यों ना मैं उसको पैसे दे दूं, वो चीज संभाल ले. सेम मुझे ऑटोमेट करना है अपने बिजनेस में टेक्नोलॉजी के थ्रू, मैं किसी को हायर कर सकता हूँ. ईमेल्स लिखवाने में हायर कर सकता हूँ, मुझे सीक्वेंसेस बनाने में किसी को हायर कर सकता हूँ, वेबिनार स्लाइड्स बनाने में किसी को हायर कर सकता हूँ, राइट? आई कैन हायर फॉर एवरीथिंग और मैं अपना बिजनेस क्रिएट कर सकता हूँ. सेकंड जवाब है, यार मैं टेकी नहीं हूँ, शुड आई स्टार्ट अ बिजनेस? आई वुड से नो. द रीजन इज ये 2021 चल रहा है, टेक्नोलॉजी यहाँ से बढ़ने ही वाली है. और आप ये कहना चाह रहे हो नहीं मैं टेक्निक पर्सन नहीं हूँ, इट इज जस्ट अ लिमिटिंग बिलीफ. पहले 5 साल पहले लोग फेसबुक व्हाट्सएप नहीं चलाते, आज मेरे मम्मी पापा दोनों को फेसबुक व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम सब चलाना आता है. इट इज जस्ट द मैटर ऑफ प्रैक्टिस. आपने उतनी प्रैक्टिस नहीं करी तो आपको लगता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है, बट ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. यू नीड टू अंडरस्टैंड टेक्नोलॉजी इन ऑर्डर टू ग्रो योर बिजनेस. अगर आप नहीं कर रहे हो तो यू विल बी ऑलवेज स्टक. बट अगर आपका ऐसा है कि आपके पास पैसा है और आप हायर कर सकते हो किसी को तो हायर कर लो, इज द बेस्ट थिंग. ने दोनों पॉइंट ही दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से सही जवाब दे दिया, मतलब टू द पॉइंट. अगर दोनों ही अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो उसका सही जवाब मिल चुका है. मेरा अगला क्वेश्चन ये रहेगा आपका, हाउ मच टाइम पीरियड रिक्वायर्ड टू मेक प्रॉफिटेबल मनी आउट ऑफ इट? इससे कैसे रुपए अर्न कर सकते हैं लोग ऑनलाइन कोर्सेज से, या एक्सपर्ट होना जरूरी है किसी पर्टिकुलर फील्ड में, या फिर सालों 10 या 15 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है? पर्टिकुलर टाइप क्वेश्चन लोग स्टार्ट करने से पहले ये क्वेश्चन आते हैं उनके माइंड में. राइट, तो एक्सपर्ट का लोग मतलब सोच रहे थे एक्सपीरियंस. एक्सपर्ट और एक्सपीरियंस बहुत अलग चीज है. एक्सपर्ट का सिंपल मतलब ये होता है कि आप किसी से कितने कदम आगे हो. फॉर एग्जांपल, आपको लेट से गिटार बजाना आता है और आप 6 गाने बजा लेते हो. मुझे गिटार का ए भी नहीं पता, कुछ भी नहीं आता, आई एम जीरो. आप मेरे लिए ऑटोमेटिकली एक्सपर्ट बन गए, भले ही आप दुनिया के बेस्ट गिटारिस्ट नहीं हो और आपको 15 साल नहीं हुए, आपको 6 महीने हुए, उससे फर्क नहीं पड़ता. एक्सपर्ट इज समवन हु इज जस्ट 2 or 3 स्टेप्स अहेड देन यू, दैट्स इट.
तो अगर आपको लगता है कि आप अपने स्किल में या अपनी नॉलेज में, डोमेन नॉलेज में इससे 2-3 कदम आगे हो, देन यू कैन स्टार्ट अ कोचिंग और कंसल्टिंग बिजनेस। बात यह आती है आप कितनी जल्दी पैसा कमा सकते हो। मैंने पहले दिन से कमाया था, राइट। मैं ऐसा कोई बिजनेस करता ही नहीं जिसमें मैं पहले दिन से पैसा ना कमा पाऊं, क्योंकि इसका सिंपल मतलब यह है कि आई लॉस्ट ऑन द डे वन। अगर मैं डे वन पे हारूं मतलब वीक वन पे हारूंगा, मतलब मंथ वन में हारूंगा, मतलब ईयर वन में हारूंगा। आई डोंट वांट दैट, तो आई ऑलवेज चूज अ बिजनेस मैं डे वन से जीत सकूं। अब आप अगर मार्केट में जाओगे, आप देखोगे बहुत सारे लोग आपको अलग अलग तरीके दे रहे क्लाइंट्स देने के। मेजॉरिटी 99% ऑफ तरीके में जितना मैंने देखा है वो आपसे एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर खरीदवाएंगे, क्लिक फंड्स खरीद लो, कन्वर्ट किट खरीद लो, गेट रिस्पॉन्स खरीद लो, और फिर वेबिनार के लिए जूम खरीद लो, यू नो दे विल जस्ट स्टार्ट टू पिच यू डिफरेंट प्रोडक्ट्स। और उसके बाद वो बताएंगे कि आपको फेसबुक एड्स में 20,000 रुपए लगाने पड़ेंगे स्टार्टिंग में, 1,00,000 रुपए लगाने पड़ेंगे, और वो उसको बेसिकली एक्सपेंसिव बना देते हैं। इट बिकम्स लाइक अ कॉस्ट ऑफ 1.5 लाख, 2 लाख टू जस्ट स्टार्ट योर बिजनेस। मेरा मानना ऐसा नहीं है। मेरे बैंक अकाउंट में 700 रुपए थे जब मैंने ये बिजनेस चालू किया था, और मेरा डोमेन जो था वो 750 रुपए का आ रहा था, himanshuagrawal.com। तो मेरे पास बेसिकली उसको खरीदने के पैसे नहीं थे। जब व्हेन आई गॉट माय फर्स्ट क्लाइंट फॉर एब्सोल्युटली फ्री 6,000 रुपए में, 5,000 रुपए में, तब जाके मैंने बेसिकली अपना डोमेन खरीदा था और सेटअप करना चालू किया था। तो यू कैन डेफिनेटली चेक आउट इंटरनेट कोचिंग एम्पायर। आप मेरा नाम या इंटरनेट कोचिंग एम्पायर गूगल कर सकते हैं, हमारे बारे में ज्यादा जान सकते हैं, एंड यू डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी। आप हमारे साथ एक फ्री कॉल बुक करके बेसिकली समझ सकते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, आपकी हेल्प। मेरा आपने ये जवाब तो बहुत अच्छे से दे दिया कि कैसे कितना टाइम चाहिए प्रॉफिटेबल बनाने में, और बहुत सारे जो भी ऑनलाइन कोचेस रहते हैं, मतलब जो बहुत वो बड़ा कर देते हैं, वो उनको इतने खुद भी एक्सपर्ट नहीं होते और दूसरों को और कंफ्यूज कर देते हैं। मतलब मेनली जो भी उनके मेंटीज रहते हैं वो एक्सपर्ट्स है, लेकिन वो कस्टमर की प्रॉब्लम इतनी अच्छे से समझ नहीं पा रहे, क्योंकि हर किसी के पास पैसा नहीं है भाई चालू करने को। भाई तुम एक्सपर्ट हो, मैंने माना विशाल एक्सपर्ट है, बट क्या विशाल के पास 2,00,000 रुपए अभी लगाने को? क्या वो रिस्क ले सकता है उतनी बड़ी? वो शायद नहीं। तो मेरा मानना ऐसा है कि यार तेरी जेब में 500 रुपए, तो हाउ कैन आई स्केल फ्रॉम दैट 500 रुपए टू 5,00,000 रुपए? मेरा मानना ये, और मैंने एग्जैक्टली वही किया था। आई डिडंट यूज एनी टूल्स फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। मैं ऑर्गेनिकली पूरा प्रमोट किया, मैंने ऑर्गेनिकली क्लाइंट्स लाए, उन क्लाइंट्स को रिजल्ट लाके रेफरल सिस्टम्स क्रिएट करे, पैसा सेव करके एड चालू करे। आई हैव डन ऑल ऑफ दैट। मेरी कंपनी पूरी बूटस्ट्रैप्ड है, आज तक किसी कोई पैसा नहीं किया। या बहुत अच्छे से आपने जवाब दे दिया। ये मेरा अगला क्वेश्चन ये है, हाउ यू स्टार्टेड ऑल दीस बिग थिंग, मतलब व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट इन योर लाइफ, आपकी लाइफ में क्या टर्निंग पॉइंट था, और ये सारी इतनी बड़ी चीज आप देख रहे हो, एक से बड़े एक इन्फ्लुएंसर लाए हो राजमानी, मतलब व्हाट एवर यू आर मीटिंग द बेस्ट पर्सन ऑफ योर फील्ड, सो हाउ इट ऑल स्टार्टेड, द व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट? कॉलेज ड्रॉप आउट, टर्निंग पॉइंट था कॉलेज ड्रॉप आउट। आई वुड से व्हेन आई वाज इन कॉलेज मैंने ड्रॉप लिया था, बिकॉज कुछ हॉस्टल वाले जो कॉलेज के हॉस्टल वाले थे उनसे चलते थे, फर्स्ट ऑफ ऑल सेकेंडली मेरा स्टार्टअप चल रहा था, और थर्डली ऐसी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो गए, इसी वजह से मैं कॉलेज जाने से कोई मतलब नहीं है, बाहर आ जाओ, ठीक है। तीसरी पढ़ाई में इतना वो था नहीं। आई वॉज अ गुड कोडर, आई थॉट कि ये जो 3 साल पढ़ाने वाले वो ऑलरेडी मुझे आता है, तो 3 साल यहाँ वेस्ट क्यों करूँ? दैट्स व्हाई गॉट ऑफ कॉलेज, एंड दैट इज द टर्निंग पॉइंट आई वुड से, क्योंकि वहाँ से मैंने ऐसा बोल दिया था मैं कंप्लीटली एंटरप्रेन्योर हूँ। दैट्स वॉज अ टर्निंग पॉइंट। सेकेंडली हाउ वॉज आई एबल to you know consult even influencers and big MNCs, multinational companies, I would say it is learning. Like I take rigorous actions. Like मेरे को still याद है, मैं लगातार 14 घंटे courses complete कर रहा हूँ, खाना courses के सामने खा रहा हूँ, पानी courses के सामने कर रहा हूँ, like I'm doing everything in front of a course and I'm learning rigorously. ठीक है, I'm just taking a course. मैं 6 बार एक कोर्स को कंप्लीट कर रहा हूँ, 8 बार एक कोर्स को कंप्लीट कर रहा हूँ, एंड जस्ट कीप ऑन कंप्लीटिंग, और मैं नोट्स पे नोट्स लेता जा रहा हूँ। सो आई थिंक क्योंकि मैं 6-8 बार कंप्लीट करता हूँ, तो वो चीज़ें मेरे दिमाग में बैठ गई हैं, और जब भी कोई मुझसे क्वेश्चन पूछता है तो मैं इजीली जवाब दे पाता हूँ, क्योंकि वो ऑलरेडी मेरे दिमाग में। दैट्स द फर्स्ट थिंग। सेकेंड, रिग्रेस इम्प्लीमेंटेशन, जो मैंने सीखा उसी को कितनी जल्दी मैं इंप्लीमेंट कर पाता हूँ, दैट्स माई थिंग, क्योंकि योर सक्सेस इज डिपेंडेंट ऑन हाउ फास्ट यू फेल। आई से दैट अगेन, योर सक्सेस इज डिपेंडेंट ऑन हाउ फास्ट यू फेल। तो मेरा ऐसा था कि तुम साल में 12 एक्सपेरिमेंट करते हो और तुम साल में अपना बिजनेस डबल करते हो, क्यों ना मैं हफ्ते के 12 एक्सपेरिमेंट्स करूं? एंड आई जस्ट टेक दैट लेवल ऑफ एक्शन, एंड आई जस्ट यू नो दैट्स व्हाई आई स्केल माय बिजनेस वेरी फास्ट, बिकॉज मैं उतनी जल्दी फेल हो रहा हूँ, आई एम डूइंग दैट मच फास्ट एक्सपेरिमेंट्स, और उतनी जल्दी मुझे रिजल्ट दिखता है, मुझे पता है क्या चीज काम करती है क्या नहीं। जवाब दिया। तो मेरा अगला क्वेश्चन ये, व्हाट वुड बी योर एडवाइस योर यंगर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, 20-year-old और इन द कॉलेज, स्टार्टिंग इन द कॉलेज और इन द 12th क्लास, हु जस्ट पास्ड आउट 12th क्लास,
तो हाउ वी कैन स्टार्ट मेकिंग मनी और व्हाट वुड बी योर एडवाइस? सो बेसिकली अभी मैं 22 का हूँ, एडवाइस टू माय 2 ईयर ओल्ड सेल्फ, डू मोर सेल्स कॉल्स, स्टार्ट प्रोड्यूसिंग कॉन्टेंट यंग एंड डॉक्यूमेंट एवरीथिंग. Documenting everything. So it's like take more sales call. मैं दिन के पहले 800,000 sales call लेता था, but मुझे ऐसा लगता है 200-100 और लेने थे per day. पहली गलती मैंने वो करी थी. Second, content creation, content डालना थोड़ा और जल्दी start करना था, Instagram, YouTube, जिस पे भी आपको डालना हो. And third is documenting everything. भले आप किसी को दिखाओ मत वो, but start documenting yourself. कि आज मेरा दिन ऐसा गया, मैं ये कर रहा हूँ, भले रिटर्न में, भले वीडियो के थ्रू, भले ऑडियो के थ्रू, जैसा भी आप चाहो, बट स्टार्ट डॉक्यूमेंटिंग योरसेल्फ. इससे आपका सेल्फ एस्टीम बढ़ता है एंड इन द लॉन्गर वर्जन जब आप अपने 2 साल पीछे खुद को देखते हो, यू कैन सी मैंने कितना इम्प्रूवमेंट किया है. और से बहुत मतलब एक चेंज भी पता चला है कि कहाँ पे थे और कहाँ पे आप मेजर भी कर पाएंगे. करेक्ट करेक्ट. अगर आप डॉक्यूमेंट कर रहे हो खुद को, अगर आप डॉक्यूमेंट कर रहे हो तो यू कैन बेसिकली सी कि मैं यहाँ गलती कर रहा था, या इस महीने में मैंने यहाँ यहाँ गलती करी, या इस हफ्ते में यहाँ बिगड़ गया था, व्हाटएवर. और इससे आप बेसिकली जब एनालाइज कर पाओगे अपने को ज्यादा अच्छे से, बिकॉज़ वो डॉक्यूमेंटेड है. या सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन बुड यू फॉर यू इज व्हाई टू जॉइन योर प्रोग्राम. हम मतलब आपके प्रोग्राम को ही क्यों ज्वाइन करें, क्योंकि मार्केट में इतने सारे प्रोग्राम है, इतने लोग बहुत आपके प्रोग्राम से बहुत सस्ते भी प्रोग्राम है. करेक्ट. मैंने भी प्रोग्राम है, बट आपके ही प्रोग्राम को क्यों ज्वाइन करें कोचेस और कंसल्टेंट या जिम ट्रेनर? राइट. इसका सिंपल जवाब ये है, मत करो. कोई भी उससे ही मुझसे बोलता हूँ मत करो. क्योंकि सिंपल जवाब ये है कि भाई एक काम कर, गो टू द मार्केट, ट्राई द टॉप 5 प्रोडक्ट्स, जितने भी देखो दिख रहे हैं, जिसके एड्स दिख रहे, जो भी कर रहे हैं, जस्ट ट्राई देम एंड देन टेल मी एंड देन कम टू माई प्रोग्राम एंड जस्ट हैव एक्सपीरियंस. मेरा सिंपल जवाब ये रहता है. सबसे ज्यादा केस स्टडीज परसेंटेज वाइज आई एम हैविंग इन द इंडस्ट्रीज, सबसे ज्यादा सक्सेस रेट आई एम हैविंग इन द इंडस्ट्री, सबसे ज्यादा कम पैसों में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले इज इन माई कंपनी, इज इन माई कम्युनिटी. नंबर ऑफ टेस्टिमोनियल्स टू द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पीपल रजिस्टर्ड इज हाइएस्ट इन माई कम्युनिटी. तो बेसिकली मेरा कहना यह है कि सस्ते प्रोग्राम है बिल्कुल करो, कोई मनाही नहीं है, महंगे प्रोग्राम से वो भी करो, कोई मनाही नहीं है, बट द गेम इज कौन तुम्हें वो सिस्टम दे पा रहा है जो तुम्हें वो रिजल्ट ला के देगा गारंटीड. एंड द थर्ड थिंग इज यू कैन नो मनी बैक गारंटी टर्म्स, यानी कि आपने प्रोग्राम ट्राई किया, आपको रिजल्ट नहीं आया, आपके पैसे वापस, बिकॉज आई हैव दैट ट्रस्ट ऑन द प्रोडक्ट. और मैंने इतनी मेहनत करी है उस प्रोडक्ट पे कि आई नो दैट नोबडी कैन चैलेंज मी कि मैंने अप्लाई किया और रिजल्ट नहीं आया. अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं. ओके, तो मेरा अगला क्वेश्चन है, शायद आपकी टीम में कसेस है, आप जानते होंगे. राइट. आपकी टीम का होगा. राइट. तो शायद मैंने उससे सुना था, यू मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, यू मेड 75K, मतलब 75,000 आपने एक दिन में बनाए. मींस हाउ इट वाज, मींस हाउ वाज योर जर्नी? आपने 4-5 महीने पहले कमाए थे. नहीं, 4-5 महीने नहीं, बहुत ये तो बहुत पुराना हो गया. हमने 75,000 इसलिए हो पाया क्योंकि उसकी मेहनत 3 महीने पहले कर ली गई थी. वो उस दिन की मेहनत नहीं थी जो उस दिन रिजल्ट दे रही, वो 3 महीने पहले की मेहनत थी जो उस दिन रिजल्ट दे रही है. अब ये लोग जब देखते तो ऐसा लगता है कि अच्छा मैं भी कुछ करूंगा तो एक दिन में आ जाएगा मुझे. इट्स नॉट लाइक दैट. वो 3 महीने पहले हमने वो मेहनत करना चालू करी थी, इसका रिजल्ट एक दिन में आया. और 75 वाज द हाईएस्ट, बट बहुत बार हमने दिन में 50,000-60,000 ऐसा कुछ टच करा है. और मैं वेबिनार अभी नहीं करता हूं, अभी तक नहीं करता आया हूं. तो अगर कोई सोच रहा है कि कोई वेबिनार में आया होगा और अब मैंने कमाया, तो नहीं, विदाउट अ वेबिनार इट इज दैट मच. अब हमारे वेबिनार और वर्कशॉप चालू होने वाली है, तो ऑब्वियसली इट वुड बी मच मोर देन दैट. So much for sharing awesome knowledge or having on the show, and it is a great thing for me that I have connected the person like you who is making million and millions in himself or helping people to make millions. Thank you so much Vishal, it was a pleasure getting on your show. Okay, oh, my last question would be for you, what would be your advice, means this is the last one, who started his online career, online content creation or online teaching? तो आप ऐसा कहना चाह रहे हो कोई content creator है जो online content post करता है, उनके लिए advice, correct? yeah.
गिव योर बेस्ट स्टफ अवे फॉर फ्री. यानी कि हम क्या करते हैं, हमारा कोर्स है, अब वो कोर्स में लेट्स के पास पांच चीजें जो बहुत बढ़िया है. अब हमारे दिमाग में चलता है कि एक काम करता हूँ, मैं थोड़ी कम चीजें, थोड़ी कम अच्छी चीजें इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर दिखाता हूँ, जिससे लोग मेरी बड़ी वाली चीजें खरीदे. मैं ये कहता हूँ कि वो जो कोर्स में आपका बेस्ट स्टफ पड़ा हुआ है, क्योंकि अभी आपका कोर्स मोनेटाइज नहीं है, आप मतलब दिन के 1000 रुपए भी नहीं कमा रहे तो आपका कोर्स मोनेटाइज नहीं है. अगर आप उस स्टेज पे हो तो जो आपके कोर्स में जो आपने टॉप स्टफ छुपा के रखा है, गिव दैट फॉर फ्री ऑन योर कंटेंट क्रिएशन प्लेटफॉर्म्स, तो आपके कोर्स की बेसिकली वैल्यू नहीं बची है. तब आप असली रिसर्च करना चालू करते हो अबाउट द नेक्स्ट लेवल कंटेंट. द रीजन मेरा कोर्स इतनी ज्यादा सक्सेस रेट पे, क्योंकि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओ तो मैंने वो चीजें शेयर करी है जो लोग अपने कोर्सेज में भी नहीं करते, जिसका लोग 1 लाख रुपए चार्ज कर रहे हैं, वो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे फ्री पे दे रखी है. और इसलिए मेरा यूट्यूब चैनल इज ग्रोइंग एट अ वेरी फास्ट पेस. राइट, तो अपना फ्री स्टफ उठा के, मतलब अपना पेड स्टफ उठा के फ्री में दे दो और पेड स्टफ पे फिर असली रिसर्च करना चालू करो, तो आपका पेड प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा बन गया विद टाइम, एंड योर फ्री स्टफ इज द मोस्ट वैल्यूएबल वन कम्पेयर टू ऑल ऑफ योर कॉम्पिटिटर्स. ये बात तो आपने बहुत डीप बोल दी, क्योंकि लोग आजकल क्या कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत इधर उधर से रिसर्च किया और ऑनलाइन यूट्यूब पर डाल दिया. right. और खुद के कोर्सेज बनाए तो इधर से देख लिया, उधर से देख लिया, इसके कोर्स में से कुछ पॉइंट उठा लिए, उसके कोर्स में से कुछ पॉइंट उठा लिए. right. और ऐसे डाल दिए. राइट, आप वो कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, और लोग करके बेच भी रहे हो. बट आप अगर देखोगे तो कोई है जिसने किसी को सिखाया, अब वो इसी की चीज को सिखा रहा है. इट्स लाइक अ कंटिन्यूअस थिंग. मैं नाम नहीं लूंगा, बट जो लोग कोचिंग और कंसल्टिंग इंडस्ट्री की, वो समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ. बट इट्स सिंपल एज मंकी सी मंकी डू. जो बंदर को देखा वही बंदर कर रहा है. और इस तरीके से कभी ग्रोथ हो नहीं सकती, क्योंकि आप जो भी आपके मेंटर हैं, इनसे भी आपने लेके वो चुराया है, आप उनसे आगे बढ़ नहीं सकते, क्योंकि आपने उतनी मेहनत तो उस चीज पे करी ही नहीं, तो आपको वो नेक्स्ट लेवल चीज का भी पता ही चलेगी, और आप उनको उनका बैरियर कभी तोड़ पाओगे. तो अगर आपके मेंटर्स 20 लाख रुपए महीना कमाते और आप 2 लाख, तो आप 20 लाख से ऊपर कभी कमाई नहीं सकते, क्योंकि आपने उतनी रिसर्च ही नहीं करी टू गेट टू दैट नेक्स्ट लेवल ऑफ योर इवन योर मेंटर. ये बहुत डीप था. ओके, तो मिलते हैं अब अगले एपिसोड में फिर कभी, अगर चांस मिलता है तो आपके साथ पॉडकास्ट करने का. तो अगेन थैंक यू सो मच. और व्यूअर्स, मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर आप हिमांशु अग्रवाल को नहीं जानते, और मतलब आप इस पॉडकास्ट की बात तो बहुत अच्छे से जान गए होंगे, और अगर उनसे कनेक्ट करना चाहते हो या फिर उनके ऑनलाइन प्रोग्राम के बारे में जानना चाहते हो, तो उनके नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे उनके इंस्टाग्राम की, उनके यूट्यूब चैनल की, और उनके वो एक उनका नंबर भी मिल जाएगा जिसपे आप कॉल कर बात कर सकते हो. नंबर नहीं मिलेगा, उनसे बुकिंग लिंक मिलेगी. तो जितने भी लोग देख रहे हैं जिन्हें कनेक्ट करना है, तो इंस्टाग्राम की लिंक नीचे है, यूट्यूब की लिंक नीचे है. अगर आपको प्रोग्राम के बारे में समझना है तो नीचे एक बुकिंग लिंक होगी, आप उस पर क्लिक करके कॉल बुक कर सकते हैं हमारे साथ. और मेरा टीम मेंबर उस पर्टिकुलर टाइम और डेट पे जब आपने कॉल बुक किया है तो उस पर आके आपकी हेल्प कर देगा, बेसिकली आपके बिजनेस के बारे में. ओके, तो आपने सुन लिया होगा कि वो आपकी हेल्प कर सकते हैं. ओके, तो आप सबसे मिलते हैं अगली वीडियो में. तब तक के लिए मैं आपको ये बोलूंगा कि इस पॉडकास्ट को शेयर कीजिए जितना कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. आप सबसे मिलते हैं अगली वीडियो में. तब तक के लिए अलविदा. जय हिंद, वंदे मातरम. थैंक यू सो मच. जय हिंद.